यार आज फिजिक्स में मचाते हैं। Consider two particles A and B having equal charges and placed at some distance. Okay. The particles A is slightly displaced towards B. ठीक है, बना लेते हैं आप जो बोला है उसको बना लेते हैं ना। दो चार्ज पार्टिकल बोले हैं, एक B है और एक A है ना, यही तो बोला है। ठीक है, have equal charges, चलो एक Q चार्ज मान लेते हैं दोनों का। ठीक है, द पार्टिकल ए इज स्लाइटली डिस्प्लेस टुवर्ड्स बी, इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देते हैं, जो बोला है कर देते हैं। चलो भाई थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया, ए वाले पार्टिकल को यहाँ रख दिया अपन ने डिस्प्लेस करके, लो भाई यहाँ रख दिया। ठीक है, डज द फोर्स ऑन बी इंक्रीजेस एज सून एज द पार्टिकल ए इज डिस्प्लेस्ड, डज द फोर्स ऑन द पार्टिकल ए इंक्रीजेस एज सून एज इट इज डिस्प्लेस्ड। मतलब दिमाग हिला देने वाला क्वेश्चन है और बहुत डीप क्वेश्चन है। कुछ लोगों ने बिल्कुल गलत सोचा होगा, कुछ लोगों ने सही सोचा होगा, फिर अधूरा सोचा होगा, है ना। तो इसको डिस्कस करते, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है यार, तो समझ रहे हो ना। तो उन्होंने बोला कि भाई इस चार्ज को तुमने मूव कर दिया, तो जो फोर्स हमें पता है भाई, मान लो पहले डिस्टेंस आर वन था, इनिशियल डिस्टेंस आर वन था, फाइनल आर टू है, तो भाई डिस्टेंस चेंज कराए तो कूलम से लो क्या होता है तुम्हारा, कूलम फोर्स के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, है ना। अगर तुमने डिस्टेंस को कम कर दिया तो हमें पता है फोर्स अल्टीमेटली उनके बीच में बढ़ेगा, फोर्स चेंज करेगा। अब इनका क्वेश्चन ये है कि भाई एक साथ दोनों में चेंज हो जाएगा, जैसे ही तुमने मूव करा तुरंत चेंज हो जाएगा, और एक पे तुरंत होगा दूसरे पे नहीं होगा, क्या होगा मतलब, है ना। तो चलो एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। उन्होंने बोला डज द फोर्स ऑन बी इंक्रीजेस एज सून एज द पार्टिकल ए इज डिस्प्लेस्ड, जैसे ही तुमने ए को डिस्प्लेस करके यहां पे रखा, मान लो तुमने एक नैनो सेकंड में डिस्प्लेस कर दिया, तो क्या तुरंत इसका फोर्स चेंज हो जाएगा? आंसर इज नो, है ना। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आंसर इज नो, क्यों है ना बेटा। देखो नथिंग ट्रैवल्स, फिजिक्स में एक फंडामेंटल लॉ है विच इज द फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ऑफ अल्बर्ट आइंस्टाइन, नथिंग कैन ट्रैवल फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट, नो इन्फॉर्मेशन कैन एवर ट्रैवल फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट। तो भाई ये डिस्टेंस जितना भी है ये लाइट की स्पीड से ज्यादा नहीं हो सकता, कोई भी चेंज हो किसी भी तरह का, कोई भी चेंज स्पीड से ज्यादा नहीं कर सकता, ना। तो अगर ये डिस्टेंस मान लो आर टू है, तो इस इंफॉर्मेशन को यहां से यहां तक ट्रैवल करने में कितना समय लगेगा? आर टू बाई सी, है ना, डिस्टेंस बाई वेलोसिटी, सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, राइट, आर टू बाई सी। तो आर टू बाई सी समय बाद इस पे फोर्स चेंज करेगा, इमीडिएटली चेंज नहीं करेगा। नथिंग कैन ट्रैवल फास्टर देन द स्पीड ऑफ, नो इन्फॉर्मेशन कैन ट्रैवल, राइट, तो नहीं करेगा इमीडिएटली चेंज। अगला क्वेश्चन है, डज द फोर्स ऑन द पार्टिकल ए इंक्रीजेस एज सून एज डिस्प्ले इट इज डिस्प्लेस्ड, क्या पार्टिकल चलो बी पे तो तुरंत चेंज नहीं करेगा, है ना, क्या ए वाले पे तुरंत चेंज कर जाएगा जब तुमने ए को यहां रख दिया? सो द आंसर इज यस, इस वाले का आंसर यस है। अब ये तुम्हें कंफ्यूज करेगा, क्योंकि भाई चार्ज एक दूसरे पे फोर्स लगा कैसे रहे? इलेक्ट्रिक फील्ड से, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट इमेजिनरी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट इमेजिनरी, इलेक्ट्रिक फील्ड का फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, जैसे चार्ज होता है चार्ज की तरह इलेक्ट्रिक फील्ड का भी फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पे सिर्फ डिपेंड नहीं करती, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बिना चार्जेस के भी हो सकती है, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, तो उनका खुद का एक अस्तित्व है। तो भाई बात यह कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहां पे पहले से थी, जैसे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड थी इस वाले चार्ज के कारण, के क्यू बाई आर वन स्क्वायर, यहां पे थी के क्यू बाई आर टू स्क्वायर, और फोर्स क्या होता है? क्यू इंटू ई, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहां पे ऑलरेडी है, तो यहां पे तुमने जैसे ही चेंज करा क्यू ई वन से क्यू ई टू हो गया फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड से, ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी वहां पर थी, कुछ किसी चीज को ट्रैवल नहीं करना है यहां पे, तो जैसे ही तुमने डिस्प्लेस करा इस पे फोर्स तुरंत चेंज कर जाएगा, पर इस पे थोड़े समय बाद चेंज करेगा, बात समझ में, कुछ एक नैनो सेकंड बाद चेंज करेगा। तो जिसमें थोड़ा भाई कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उसने ये सोच लिया होगा, पर यहां पे एक बहुत तगड़ी चीज हो रही है अभी, असली क्वेश्चन तो अब स्टार्ट हुआ, असली क्वेश्चन तो अभी स्टार्ट हुआ। इंडीड वर्मा सर को इसके आगे एक लाइन ऐड करनी चाहिए थी जो उनके बिहाफ में मैं ऐड कर रहा हूं, डज इट वायलेट न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो भाई न्यूटन थर्ड लॉ क्या बोलता है भाई? ए बी पे जितना फोर्स लगा रहा है बी ए पे उतना फोर्स लगाएगा। तो अब क्वेश्चन ये उठता है यार, जिस समय उस थोड़े से इंटरवल की बात करें, एक नैनो सेकंड इंटरवल के लिए इस पे फोर्स चेंज कर गया, मान लो इस पे फोर्स हो गया, है ना, जो भी के क्यू स्क्वायर बाय आर टू स्क्वायर, पर इस वाले पे फोर्स अभी भी पुरानी वाला है के क्यू स्क्वायर बाय आर वन स्क्वायर, लेट से, है ना, जो भी है ना, मतलब है ना, इस पे फोर्स है, तो दोनों पे अलग अलग फोर्स आ गया, मतलब दोनों पार्टिकल एक दूसरे पे अलग अलग फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या उस इंटरवल के लिए न्यूटन का थर्ड लॉ वायलेट हो गया? तो देखो, अगर तुम न्यूटन थर्ड लॉ ये बोलते हो जो न्यूटन ने अपने टर्म्स में दिया था, फोर्स ऑन ए बी ड्यू टू बी इज इक्वल टू फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए इन अपोजिट डायरेक्शन, तो हाँ ये तो वायलेट हो गया, इस केस में नहीं है, है ना। बट क्या है कि न्यूटन ने थर्ड लॉ भी अपडेट कर दिया गया है, इंडीड उससे ज्यादा फंडामेंटल लॉ क्या है, इंडीड न्यूटन थर्ड लॉ कई जगह फेल हो जाता है ना, अगर फोर्स के टर्म में बात कर रहे हो, इफ यू आर टॉकिंग मियरली इन द टर्म्स ऑफ फोर्सेस, राइट, है ना,
तो इंडीड मैग्नेटिज्म में भी होता है, मैग्नेटिज्म में दो चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव करवा दो, दोनों एक दूसरे पे अलग अलग फोर्स लगा रहे होते हैं। बट जो ज्यादा फंडामेंटल लॉ है दैट इज, अगला क्वेश्चन बनता है, डज इट वायलेट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, डज इट वायलेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, डज इट वायलेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, है ना। तो इंडीड इसको आजकल न्यूटन का थर्ड लॉ बोल देते हैं एक तरह से ना, तो अब वो डिपेंड करता है तुम क्या बोलो, है ना। बात है कि फोर्सेस तुम बोलोगे स्ट्रिक्टली बोलोगे तो फोर्सेस, भाई स्ट्रिक्टली बोले तो फोर्सेस नहीं होंगे, पर तो मोमेंटम वाले पार्ट को इंक्लूड कर लो तो डज इट वायलेट, नो। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करें तो वो वायलेट नहीं होगा। तो यहां पे क्या होता है एक्चुअल में, जो फोर्स वाला फैक्टर भी होता है ना, जब देखो जब तुमने इसकी पोजीशन चेंज करी ए वाले की ना, तो पहले तो मैं एक्सेलरेट करा और डीएक्सेलरेट करा, ऐसा तो नहीं गायब होगा और इधर आ जाएगा, जादू तो हो नहीं रहा है ना। तो इसको पहले एक्सेलरेट करा और फिर ये डेसेलरेट करा, और हमने पढ़ा है मैक्सवेल इक्वेशन से जब भी पार्टिकल एक्सेलरेट या डेसेलरेट करता है इट रेडिएट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रेडिएट करता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में एनर्जी और मोमेंटम दोनों आता है। जिन्होंने नहीं पढ़ा ये एक चैप्टर आएगा, है ना, ईएमआई आएगा, फिर एसी आएगा, एसी के बाद एक चैप्टर आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, है ना। तो भाई इस पे एक एक्स्ट्रा फोर्स आ रहा है रेडिएशन के कारण, क्योंकि इसको मूव करा है, इसने रेडिएशन निकाली अपने, रेडिएशन के अंदर मोमेंटम होता है और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी फोर्स होता है, तो उस पार्ट से, है ना, एक तरह से वो पार्ट न्यूटन थर्ड लॉ को बचा लेता है। तो हम बोले अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बोले तो वो कंजर्व्ड है ना। तो न्यूटन थर्ड लॉ ये वर्ड पे स्टिक करने की जगह लॉ ऑफ कंजर्वेशन पे स्टिक करते हैं, एंड दैट इज स्टिल वैलिड, है ना। इट इज द यूनिवर्सल लॉ, वो कभी भी वैलिड नहीं होता, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आई थिंक वो इट क्लैरिफाइज, है ना। कूलम फोर्स दोनों के बराबर नहीं होंगे, पर तुम वो मोमेंटम वाला पार्ट इंक्लूड कर लोगे फोर्स में तो फिर वो बराबर होगा ना। एंड इंडीड दैट इज द अपडेटेड डेफिनेशन ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ, है ना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।